और इसी मॉडल का नाम है बुलेट, जो लोग बुलेट नाम लेते हैं इसी मॉडल असल में इसी का नाम है बुलेट, और इसी नाम से रॉयल एनफील्ड को लोग आज बुलेट 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 नाम से जानते हैं। तो ये है ओरिजिनल बुलेट, ओरिजिनल बुलेट ये। हाँ, इसका प्राइस क्या होता है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का सीन कुछ ऐसा है जो आप सभी के लिए बिल्कुल नया है। तो आज इस खास वीडियो में नई चीज को जानेंगे समझेंगे, तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए नई चीज को बताने समझाने वाला है। अगर आप वीडियो को छोड़कर जाते हैं तो आपको नई चीज़ों को मिस कर देंगे, तो आप सभी वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इस समय मैं वाराणसी की उस जगह पर आ गया हूँ जो शिवदासपुर लहरतारा डिवाइन स्कूल के पास आ गया हूँ। यहाँ आपके खास जानकारी मिलने वाली है, तो आप सभी वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में नई चीज़ को जानेंगे समझेंगे। अगर आप रॉयल एनफील्ड की बाइक वगैरह खरीदना चाहते हैं तो कैसे खरीदेंगे, प्रोसेस वगैरह क्या है, जो नया अपडेट मॉडल जो आया है अभी जो जस्ट लॉन्च हुआ है उसके विषय में आपको फुल रिव्यू मिलेगा, उसमें क्या क्या फीचर वगैरह है, क्या क्या सारा नया चेंजेज वगैरह है, उसका प्राइस वगैरह क्या है, फाइनेंस वगैरह क्या है। अगर आप किसी अदर कंपनी का बाइक चढ़ रहे हैं, चला रहे हैं, अगर आपका मन हुआ कि हम नहीं रॉयल एनफील्ड की बाइक पर मैं चढ़ूँ और वो लूँ, तो उसका एक्सचेंज वगैरह आप कर सकते नहीं कि अदर कंपनी के बाइक से आप रॉयल एनफील्ड में एक्सचेंज कर सकते हैं कि नहीं, उसके लिए फैसिलिटी है कि नहीं, उसके विषय में भी मैं बातचीत करने वाला हूँ। फाइनेंस वगैरह कैसे कराएंगे, उसका प्रोसेस वगैरह क्या है, सर्विसिंग सेंटर वगैरह क्या है, एसेसरीज वगैरह क्या है, और सारी क्या क्या नहीं नई जानकारी है यहाँ, तो आप सब वीडियो के साथ बने रहते तो उन सारी चीज़ों को देखेंगे समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय मैं बाहर से मैं अंदर शोरूम में इन कर गया हूँ, प्रवेश कर गया हूँ, और यहाँ के जो सेल्स काउंटर है सेल्स मैन उनसे बातचीत करूँगा कि हाँ प्रोसेस वगैरह कैसे कि रॉयल एनफील्ड का मैं बातचीत करूँगा, तो आप सब वीडियो के साथ बने रहते तो उन सारी चीज़ों को देखेंगे समझेंगे। तो चलिए अब उनसे मैं बातचीत करता हूँ, नीचे के बारे में बताता समझाता हूँ। नाम है सर जी? नमस्कार, मेरा नाम विशाल गुप्ता है, मैं शोरूम में सेल्स देखता हूँ एज अ टीम लीडर। अच्छा, हमारा शोरूम है वर्षा ऑटोमोबाइल्स नाम से, लहरतारा मंडवाड़ी में। इसके लैंडमार्क की बात करें तो यहाँ डिवाइन सैनिक स्कूल बहुत फेमस है, अगर आप किसी से पूछेंगे तो ये आपको एड्रेस मिल जाएगा। हम लोग रॉयल एनफील्ड की सारी मोटरसाइकिलें हमारे यहाँ रहती हैं, ये जो रॉयल एनफील्ड पुराना टैग है बुकिंग पे गाड़ियाँ आती हैं। अच्छा सर, आपके यहाँ जो कोई कस्टमर, कोई यूजर जो राइडर है, बाइक बुलेट चॉइस करता, चलाना पसंद करता, अगर ख़रीदना चाहे कोई भी, आप जितने सारे मॉडल वगैरह आप बेचते हैं, तो आपका प्रोसेस वगैरह क्या है, कैसे आपसे कोई परचेजिंग कर सकता है? देखिए, परचेज़ का सिंपल सा फंडा है, अगर आपको बाइक लेनी है तो उसका एक टाइम पीरियड, उसमें आप बुक कराएंगे तो बाइक आपकी आएगी। ठीक है, हम लोग कैश में भी डील करते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं, एक्सचेंज भी करते हैं। अगर कस्टमर के पास पुरानी मोटरसाइकिल है वो चाहे किसी भी कंपनी की हो, वो भी एक्सचेंज करके उसको नई वाली अदर कंपनी की बाइक एक्सचेंज कर देते हैं बुलेट से। हाँ, एक्सचेंज का भी हमारे पास है, तो वो एक्सचेंज भी करते हैं। उसका प्रोसेस क्या, कितने दिन में वो पूरा हो जाता है एक्सचेंज का? हाँ, एक्सचेंज तो मिनिमम एक घंटा बहुत होता है। अच्छा, आपके यहाँ रॉयल एनफील्ड जो वाराणसी मटवाड़ी लहरतारा के पास जो है डिवानी स्कूल के पास, आपके यहाँ जो प्री बुकिंग वगैरह की फैसिलिटी है जी, उसके प्रोसेस वगैरह क्या है? बुकिंग के लिए हम लोग आधार कार्ड और 10,000 रुपये कस्टमर देते हैं, बुकिंग होती है उनकी उनके नाम से, वो रिफंडेबल होती है 100%, और जो मॉडल वो पसंद करते हैं उसकी बुकिंग होती है। कितने दिनों पहले करा सकता है? ये कंपनी के ऊपर रहता है, अभी फ़िलहाल में 45 से 60 दिनों की वेटिंग चल रही है, तो इन दिनों के अंदर बुक कराना पड़ता है 45-60 दिन पहले, तो जाके आपको बाइक अलॉट होगी। उसमें भी हमारे पास कुछ मॉडल रहते हैं तो हम उसको तुरंत में भी अवेलेबल करा सकते हैं, और बाकी जो उनको कुछ स्पेशल कलर वगैरह चाहिए उसकी बुकिंग होती है। आप लोग जो रॉयल एनफील्ड का बाइक जो बेचते हैं बुलेट, आप लोग जो बेचते हैं तो कितने सर्विसिंग फ्री देते हैं कस्टमर को? कस्टमर को 4 फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फ्री सर्विस में लेबर चार्ज फ्री होता है, पार्ट्स आर चार्जेबल, तो 4 फ्री सर्विस के लिए बाइकें रहती हैं।
चार बार आप फ्री सर्विस करा सकते हैं। उसमें भी एक टाइम पीरियड ड्यूरेशन रहता है, किलोमीटर और टाइम दोनों रहता है, उसके अंदर आपको फ्री सर्विस करानी होती है। पहली सर्विस 500 किलोमीटर और 45 दिन के अंदर होती है, ठीक है। आपकी गाड़ी इतनी नहीं भी चली है तो भी आप करा लीजिए। उसके बाद 6 महीने का होता है, 6 महीने और 5,000 किलोमीटर का। दूसरी सर्विस होती है तो तीसरी 9 महीने पर होती है, चौथी आपकी होती है 12 महीने पर। ये टाइम पीरियड रहता है सर्विस में। जैसे कि आप बाइक अपने लिए क्या है, उसके लिए आप नंबर भी लगते हैं, आप फ़ोन से अपना बुकिंग करा सकते हैं कि हम इस टाइम पीरियड पर आएंगे, तो कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ता। आप आइए, बाइक आपकी अलॉट होगी, आपकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, हमारे यहाँ कस्टमर लॉन्च भी है, आप आराम से उसमें बैठ सकते हैं, उसमें सारी सुविधाएँ हैं, मैगजीन है, टीवी लगा हुआ है, कस्टमर को ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो, वो आराम से बैठा रहे। बाइक सर्विस होके 90 मिनट का टैट होता है, 90 मिनट के अंदर उसकी बाइक उसको प्रोवाइड हो जाती है। रासतिलक अग्रवाल। अच्छा अग्रवाल जी, अभी हम लोग कहाँ पे हैं? आप हैं मंडुआ डिस्ट उदासपुर लहरतारा रोड पे हैं, रॉयल एनफील्ड बाइक शोरूम में। शोरूम पे हमारे शोरूम का नाम है वरुष्का ऑटोमोबाइल। अच्छा अच्छा, आपके यहाँ जिस शोरूम में किस किस तरह के बाइक वगैरह आप लोग रॉयल एनफील्ड के बेचते हैं? रॉयल एनफील्ड की हर एक मोटरसाइकिल आपको अवेलेबल मिल जाएगा, मतलब देखने के लिए मिल जाएगी। क्लासिक के सारे रेंज, इंटरसेप्टर हुआ, हिमालयन हुआ, GT हुआ, बुलेट हुआ, उसके सारे रेंज आपको हमारे यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो अभी जो अपडेट मॉडल है आपके पास, वो आप दिखा सकते हैं कौन सा मॉडल है वो? एकदम आइए, क्लासिक के जो क्लासिक अभी पुरानी बंद हो गई है उसके जगह आइए क्लासिक रिबॉर्न होके आइए हमारी ये न्यू क्लासिक। जो हमारी पहले क्लासिक आ रही थी उस क्लासिक में थोड़ा वाइब्रेशन था जिससे लोगों को हिजिटेशन होता था। अब की जो हमारी जो क्लासिक आ रही है रिबॉर्न, इसका इंजन का प्लेटफॉर्म ही चेंज हो गया, जे प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है इंजन है, जिसमें गाड़ी स्टार्ट करने पे वाइब्रेशन आपको न के बराबर वाइब्रेशन मिलेगी। और ये हमारी आप देखेंगे तो पहले जो आ रही थी वो सिंगल चेंजेस पे आ रही थी, अब ये देखिए डबल चेंजेस पे चेंजेस लाया है। हाँ, चेंजेस लाया है, डबल चेंजेस पे है, जिससे इसका लुक और भी ज़्यादा कमाल हुआ। इसमें और सारे क्या क्या फीचर इसमें चेंजेस लाया है, बदलाव लाया है? देखिए जैसे चेंजेस, पहले की जो अभी क्लासिक आ रही थी उसमें फ्यूल का मीटर नहीं आ रहा था, डिजिटल मीटर नहीं आ रहा था, अब ये डिजिटल मीटर आ रहा है। डिजिटल मीटर आ रहा है, यहाँ पर स्टार्ट जैसे हम लोग की लगा के स्टार्ट करेंगे यहाँ पर फ्यूल का मीटर भी शो करने लगेगा। ये आप देख सकते हैं ये फ्यूल का मीटर भी इसमें आ गया है जो कि पहले नहीं आ रहा था, तो फ्यूल का मीटर आ गया है। और ट्रिप का आपको 2 ट्रिप का मीटर मिलेगा जिसमें आप कहीं पर भी आप जा रहे हैं डिस्टेंस आप देख सकते हैं कितना कवर कर रहे हैं, टाइम भी आपको दिखेगा इसमें, ये टाइम भी दिखेगा, हाँ वॉच भी ऐड है। और यहाँ से आप ट्रिप चेंज कर सकते हैं, ट्रिप 1, ट्रिप 2 और ट्रिप एफ, और ये टोटल मीटर है। और इसकी प्राइस क्या होगा? इसकी प्राइस ऑन रोड लगभग 2,24,000 रुपये, 2,24,000 ऑन रोड प्राइस है इसकी। आइए हम आपको दिखाते हैं अपने नई अपडेट मॉडल के बारे में। तो क्लासिक अभी नई आई है, ये न्यू अपडेट मॉडल है ये। जी जी, ये हमारी न्यू क्लासिक अपडेट मॉडल है। इसमें क्या क्या चेंजेज आया है? पहले ये डबल डिस्क में आता था, अब ये सिंगल डिस्क में कंपनी निकाली हुई है। अच्छा, इससे क्या बेनिफिट है इसे? इसमें भी सेम जो उसमें अभी हमने जो बताया सेम सारा फीचर इसमें भी आपको मिलेगा। कलर इसमें कंपनी ने अलग एक दिया हुआ है, ब्राइटनेस कलर है, लुक इसका अलग डिफरेंसेस हो गया। अलग डिफरेंसेस है कलर के वजह से इसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, इसका आपका पड़ जाता है 2,27,500 रुपए। कुछ फीचर बात करें, देखिए आगे डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, 300 mm का डिस्क ब्रेक है जिसमें ABS भी लगा हुआ है, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम भी है जो आपको सेफ्टी मिलता है। फिर इंजन इसमें 350 cc का इंजन लगा हुआ है जो आपको लो वाइब्रेशन पे है,
और ये सीट भी पहले से ज़्यादा कम्फर्ट कर रही है। पहले जो सीट आ रही थी वो सीट पूरा फ्लैट था, तो अब कंपनी जो सीट दे रही है थोड़ा सा कर्व दे दिया, जिसमें बैठने में बहुत आरामदायक कम्फर्टेबल फील होता है। और ये पहले पीछे वाला भी सीट जो पिलियन सीट है वो भी पहले से ज़्यादा कम्फर्ट दे दिया कंपनी। और ये पिलियन जो बैकरेस्ट है ये भी पहले से ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग दे दिया कंपनी। ये देखिए आपको इसमें USB पोर्ट भी मिल जाता है, अगर मोबाइल चार्ज आपको करना है तो इसमें आप इस यहाँ लगा के मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। ये नया फैसिलिटी दिया है इसमें। और स्टार्टिंग पॉइंट नया है आपका, स्टार्ट करने का जो पहले स्विच आता था वो कंपनी हटा के अब सर्कल राउंड में दे दिए, वॉल्यूम पर लगा दिया। हाँ, तो ये आपका ऑन है, ये स्विच ऑन है, ये ऑफ है, यहाँ से ऑन होगा, ये स्टार्ट हो जाएगा आपका। ये हमारी एक और मॉडल है, देखते हैं क्लासिक, ये भी क्लासिक है। ये जो है हेलिकॉन सीरीज का, ये ग्रीन कलर है, ये भी सिंगल डिस्क में है। ये क्या फीचर है इसमें? ये भी सिंगल डिस्क डबल डिस्क दो फीचर में आता है। और जो अभी फीचर भी हमने बताया आपको क्लासिक में, सेम फीचर इसमें भी आपको मिल जाएगा, कलर आपको अलग अलग मिल जाएगा। इसका भी ऑन रोड जो प्राइस आएगा 2,27,500, क्लासेस 350। हाँ, सिंगल। और ये हमारी देखिए सबसे रॉयल एनफील्ड की 650 cc की इंटरसेप्टर मोटरसाइकिल, जो इंडिया की नंबर वन मोटरसाइकिल इस समय जा रही है 650 cc। इसमें और सारे क्या क्या फीचर है? इसमें आपको आगे पीछे डुअल डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। अच्छा। विद ABS के साथ आगे पीछे दोनों डुअल डिस्क ब्रेक, ट्विन सिलेंडर। इसका माइलेज क्या होगा? इसका माइलेज आपका ऑन रोड करीब 25 जाएगा, 25। अच्छा, आपने जो क्लासिक जो न्यू अपडेट मॉडल बताया था वहाँ जो दिख रहा है उसका क्या था? उसका आपका 35 से 40, अगर आप सिटी में यूज़ करते हैं तो 35 तक का माइलेज जाएगा, और लॉन्ग रूट यूज़ करते हैं तो 40 तक का माइलेज। इसका आपने क्या प्राइस बताया है? जी प्राइस इसका प्राइस ऑन रोड चला जाएगा आपका 355,000। रेडिज ग्रीन कलर है, रेडिज ग्रीन सेज ग्रीन कलर, ये भी सिंगल डिस्क में है। इसका भी ऑन रोड प्राइस चला जाएगा आपका 224,000, सेम फीचर के साथ। सेम फीचर है। और ये एक रेडिज रेड है, ये रेडिज रेड, ये भी सिंगल डिस्क ब्रेक में है, इसका भी प्राइस ऑन रोड आपका 224,000 चला जाएगा। कुछ हमारी मोटरसाइकिल बाहर डेमो में भी लगी है, हम आइए दिखा देते हैं, क्योंकि न्यू में अभी हमारे पास नहीं है तो हम आपको डेमो दिखा देते हैं कौन कौन सी मोटरसाइकिल आती है। ये हमारी GT 650 cc है, जैसे इंटरसेप्टर हमने आपको दिखाया उसी तरह 650 cc की कॉन्टिनेंटल GT है। ये कैफे रेसर नाम से फेमस है। इसमें क्या फीचर है इसमें? इसमें भी आगे आपको डबल डिस्क ब्रेक मिल जाएगा विथ ABS के साथ, और इसको समझ लीजिए मुख्य जो बाइकर होते हैं वो इसको ज़्यादा लाइक करते हैं लॉन्ग राइड के लिए, कहीं उन लोग के लिए सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल ये रॉयल। इसका माइलेज क्या होगा? इसके भी माइलेज आपको 25 से 20 तक जाएगा। 20 का क्या प्राइस? ये 360,000, 370,000, कलर के ऊपर सब प्राइस है। फिर हमारी आपकी देखिए ये हिमालयन 411 cc की हिमालयन है, 411 cc की हिमालयन, ये रॉयल एनफील्ड के सबसे समझ लीजिए इस मोटरसाइकिल का जो टैग लाइन है ऑन रोड ऑफ रोड, मतलब किसी भी रोड के लिए ये बना हुआ है। राफ्ट ऑफ रोड के लिए भी यूज कर सकते हैं एकदम, ये उसी के लिए बना ही है। नदी पहाड़ झरना ऊपर खावड़ रास्ते पे अगर इसको भगा भी दे रहे हैं तो जर्क आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने ऐसा इसका शॉकर लगा हुआ है। हाँ, ऐसा इसका जो शॉकर है मोनो शॉकर सस्पेंशन है, बीच में शॉकर लगा हुआ है। अच्छा। ये इसका सस्पेंशन है। अच्छा। इस गाड़ी का, इस मोटरसाइकिल की ये सस्पेंशन है, देख रहे हैं एक हाथ से। अच्छा। हाँ। ये सस्पेंशन पूरा लचक फ्लेक्सिबल ज्यादा है। इस मोटरसाइकिल को अगर कोई यूज कर रहा है तो उसको एकदम समझ लीजिए कि एकदम जर्क वाइब्रेशन कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये इसका प्राइस क्या बोले हैं? इसका प्राइस चला जा रहा है 260,000 से लेकर 280,000 के बीच में। एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड की सबसे ओरिजिनल बुलेट जो
1901 की बनी हुई बुलेट ये है जिससे कंपनी अपनी स्टार्टअप स्टार्ट की थी। ये हमारी बुलेट है, इसी से कंपनी स्टार्ट हुई थी, इसी बुलेट से, और जो कि अभी तक ये बरकरार है, अभी तक चलती आ रही है और किक के साथ है। इसमें अभी भी कंपनी ने सेल्फ नहीं दिया है, ये किक के साथ। इसका प्राइस ऑन रोड चला जा रहा है आपका 1,80,000 के अराउंड। मैंने आपको अभी बुलेट दिखाया है, वो बुलेट के साथ हमारे पास कुछ एसेसरीज और कुछ अपैरल भी है जो हमारे रॉयल एनफील्ड के जो लवली कस्टमर है सब यूज़ करते हैं। ये सब देख सकते हैं आप, एसेसरीज लगा है। ये हमारी अलॉय व्हील है जो लोग क्लासिक में आप यूज़ कर सकते हैं। डबल डिस्क साइलेंसर है, सीट है, पैनियर है, विंडस्क्रीन है, फिर ये सीट कवर है, लेग गार्ड है, फिर इधर देखिए आप अपैरल है, ये हमारे बैग्स हैं रॉयल एनफील्ड के, और जैकेट्स हैं। किस किस तरह का जैकेट, किस किस प्राइस रेंज का है? राइडिंग जैकेट है जो आप समर के लिए भी, विंटर के लिए भी यूज कर सकते हैं। 6,950 रुपये है, 5,500 रुपये, 7,500, कई रेंज के आपको मिल जाएंगे। ये हेलमेट का पूरा रेंज लगा हुआ है, और ये हमारे शूज है, राइडिंग शूज है, मोटरसाइकिल के हिसाब से कंपनी बनाती है। अगर प्राइस क्या होगा शूज का? शूज का प्राइस भी आपको 5,500 से लेके 7,500 रुपए के आसपास। हेलमेट भी आपको 3,700-3,500 स्टार्टिंग, 1,825 से स्टार्टिंग होता है और 3,700 रुपए तक है। हाँ, छोटे छोटे की रिंग्स लगे हैं, मग है, ये वॉलेट, ये पूरे बैग्स, राइडिंग जैकेट, ये पूरा अलग से इनका एक शो है पूरा। ये देखिए, ये हमारा डेमो मोटरसाइकिल है। अच्छा अच्छा, अलग अलग मॉडल, हर मॉडल का अलग अलग डेमो आता है। अच्छा, हर मॉडल का देखिए, जैसे क्लासिक का है, ये मैट्योर आता है एक मॉडल, उसका है क्लासिक है, ठीक है, सब आपको यहाँ पर इसके डेमो। ये क्लासिक हेलिकॉन ग्रीन मॉडल है, फिर ये आपका क्लासिक एयरबॉर्न ब्लू मॉडल है जो कि अभी मॉडल बंद हो चुकी है। ये स्टॉर्म राइडर है, क्लासिक स्टॉर्म राइडर, ये 500 सीसी में जब आती थी तब की है, अब बंद हो गई है ना, इस डिजर्ट सैंड। ये मार्स ग्रे है, सब डेमो पीस लगा हुआ, अलग अलग मॉडल का पीस अलग अलग लगा हुआ। फ्रेंड्स, मैं आपको अब सर्विसिंग सेंटर में ले चलता हूँ कि यहाँ सर्विसिंग वगैरह का लोकेशन वगैरह क्या है और कैसे वगैरह बुक वगैरह कराएंगे उसकी विषय में आपको जानकारी मिल रही है। देख सकते हैं ढेर सारी बाइक वगैरह जो बुलेट का है सर्विसिंग के लिए नंबर में है, और देख सकते हैं जस्ट आपको ये काउंटर है राइट साइड में जहाँ से आप एसेसरीज वगैरह ले सकते हैं, बहुत सारा बिलिंग वगैरह करा सकते हैं, यहाँ बुक वगैरह करा सकते हैं। देख सकते ढंग से रॉयल एनफील्ड जो लहरतारा मरुआडी वाराणसी में जो शोरूम है, देख सकते हैं बैक साइड में इसका सर्विसिंग सेंटर ही ढंग से बहुत सारी जो बाइक है बुलेट का सर्विसिंग के लिए तैयार है। देख सकते हैं बहुत सारे मैकेनिक वगैरह सर्विसिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ढंग से पूरा ये लोकेशन आप यहां आकर ऑनलाइन बुक करा सकते हैं दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से, एड्रेस कर से। देख सकते हैं उधर वॉशिंग एरिया है, पहले बाइक वॉशिंग वगैरह करके सर्विसिंग के लिए मैकेनिक के पास जाता है, तो आप यहां आकर इन सारी चीज़ों को देख समझ सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास महत्वपूर्ण है। इसी ढंग से अपडेट वीडियो इस शोरूम का देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के जरूर रहिएगा, जैसे कोई नया अपडेट मॉडल वगैरह सारे चेंजेज आता है, नई फैसिलिटी वगैरह सुविधा है जानकारी है, तो मैं वीडियो के माध्यम से आप सबके बीच आता रहूंगा, तो आप सभी कंटिन्यू बने रहिएगा। और चलिए मैं फाइनेंस वगैरह के विषय में आपको बताता हूं कि आप सभी के लिए क्या नई जानकारी है, कंटिन्यू बने रहिए वीडियो के साथ। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम आनंद श्रीवास्तव है। अच्छा श्रीवास्तव जी, अब हम लोग कहाँ पे अभी? सर हम टाटा कैपिटल फाइनेंस सर्विसेज से हूँ, रॉयल एनफील्ड शोरूम वाराणसी में, वाराणसी वरुष्का ऑटोमोबाइल। आप लोग जो बुलेट बाइक जो आप लोग फाइनेंस करते हैं, तो आप लोग का प्रोसेस वगैरह क्या होता है? सर हमारा प्रोसेस है कि कस्टमर की डाउन पेमेंट की नीड क्या है, मैक्सिमम लोग 50,000 से डाउन पेमेंट से स्टार्टेड करते हैं, चूँकि रॉयल एनफील्ड का इसमें रेट जो है थोड़ा बढ़ गया है, 2,50,000 पहुँच रहा है, मैक्सिमम आदमी जो है 50,000 डाउन पेमेंट करता है, उसके अकॉर्डिंग हम फंडिंग करते हैं। डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या लगता है? हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, आधार कार्ड और पैन कार्ड, बैंक पासबुक की फ्रंट कॉपी और दो फोटो, अगर सर के पास चेक है या एटीएम है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करेंगे, अगर एटीएम रहेगा तो चेक हम नहीं लेंगे। अच्छा, आप लोग कहाँ कहाँ कस्टमर को फाइनेंस करते हैं? सर हमारा जो टाटा का एरिया है वो 35 किलोमीटर के रेंज में हम करते हैं, बनारस के 35 किलोमीटर रेंज अराउंड में आप लोग हम करते हैं, आप लोग कर सकते हैं जी सर, कोई भी आकर संपर्क कर सकता है जी सर। थैंक यू सर, आपने एक नई जानकारी दी।
तो फ्रेंड्स, आपके इस वीडियो के माध्यम से आपके रॉयल एनफील्ड के बारे में, नई अपडेट मॉडल के बारे में, सर्विसिंग वगैरह, एक्सचेंज वगैरह, फाइनेंस वगैरह के बारे में, सीरीज वगैरह के बारे में आपकी एक नई जानकारी मिली है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक शेयर कीजिएगा और नए वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।